जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का सब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है ज्योग्राफी। इससे पहला जो एक्सरसाइज था हमारा वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद इसका चार पार्ट था, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो इसमें पहला दिया गया स्थल मंडल, वो हम पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वो नहीं देखे होगे तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, बाय मीन्स होता है ऊपर, क्रस्ट वाला पार्ट, ठीक ना। जैसे कि उसमें महाद्वीप भी आ सकता है और महासागर भी आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल। स्थल मंडल में महाद्वीप और महासागर दोनों आएगा, मीन्स पृथ्वी का ऊपरी लेयर पे जो भी चीज़ आएगा वो क्या होगा, स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। अब है पृथ्वी का 29% भाग पर क्या है, स्थल है, मीन्स लैंड है, जमीन है, और 71% भाग पे क्या है, जल है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको परसेंट कम पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में ये आएगा कि पृथ्वी पर स्थल कितना भाग पे है, तो 1/3 भाग पर क्या है, स्थल है, अप्रोक्स होता है, और 2/3 भाग पे क्या है, आपका जल होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी के भूभाग क्षेत्रफल व जल का क्षेत्रफल, मीन्स भूमि का और जल का जो अनुपात है वो क्या है, 3:7 है, ठीक। आपको भाग जो 1/3 बोले और 2/3 बोले वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा अनुपात। अब दिया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। इसका क्या मतलब हुआ समझो, जैसे कि ये है पृथ्वी, ठीक। अभी हम पढ़े पृथ्वी का क्या है, 29% भाग पे लैंड और 71% भाग पे जल है। अब पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक ना। डिवाइड करने पे क्या होगा कि इसको आप अलग मानो, इसको अलग मानो। अब इसका भी क्या होगा, 100%, इसका भी क्या होगा, 100%। तो उत्तरी गोलार्ध ये हुआ आपका नॉर्थ और ये हुआ साउथ, मीन्स उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितना भी सामान आता है, मीन्स पानी या फिर महाद्वीप या महासागर, उसमें 61% क्या है, पानी है। 61% पानी है, मतलब 49% क्या है, जल है, सॉरी 49% क्या है, स्थल है। और नीचे वाले पार्ट पर 81% क्या है, जल है, मीन्स 19% ओनली क्या है, स्थल है। तो अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि नॉर्थ गोलार्ध या साउथ गोलार्ध में किसमें अधिक स्थल है, तो स्थल किस में होगा, नॉर्थ में, जबकि पानी किस में होगा, साउथ वाले में होगा। ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850, कहीं कहीं आपको 8848 मीटर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके आसपास आप टिक कर सकते हो एग्जाम में। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये है, ये क्या है, धरती का सबसे ऊंचा मीन्स पॉइंट है। और अधिकतम गहराई क्या है, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपका आता है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आता है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, 11,022, कहीं कहीं 11,033 मीटर लिखा रहता है, तो ये सब लगभग का है, ठीक ना। इसी प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। अंतर कितना होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वही क्या हुआ, इतना किलोमीटर का अंतर है। अगर ये तो हो गया, मान लो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि ये सौर मंडल जो है, जिसमें 8 प्लानेट, सैटेलाइट, ये सब सब कुछ आता है, तो उसमें सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा होगा, तब एक मार्स पे एक माउंटेन है, निक्स ओलंपिया, इसका ऊंचाई सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पे 8000 है, इसका 3 गुना है, मीन्स अप्रॉक्स 25,000 मीटर है, तो बहुत अधिक हुआ, उतना ऊंचा है ये। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती के ऊपर जो स्थल मंडल का मोटाई है, मिट्टी का जो मोटाई है, वो 40 किलोमीटर, अभी पढ़े थे ना ऊपर पृथ्वी की संरचना में हम, जो ऊपर का भूपर पलटी जो होता है उसका मोटाई कितना था, 35 से 40 किलोमीटर, तो ये हुआ। लेकिन समुद्री तल में, समुद्र का तल तो होता होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आर पार पानी होगा, तो समुद्र के नीचे जो पानी का मीन्स मिट्टी का मोटाई होता है वो क्या होता है, 12 से 20 किलोमीटर के आसपास होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है आपका स्थल मंडल में पॉइंट दिया गया है चट्टान। चट्टान को रॉक कहा जाता है। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो भी कठोर पार्ट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई, ये क्यों लिखा है मूलभूत इकाई, देखो होता क्या है, मिट्टी कैसे बनता है, जैसे कि ये एक मान लो पत्थर है, ठीक है ना, या तो ये पानी, हवा, या फिर किसी भी दूसरे कारण से घिस घिस के क्या बनेगा, ये पतला होता जाएगा और ये धीरे धीरे मीन्स
कंकर के फॉर्म में ही रहेगा, पर छोटा होगा, फिर धीरे धीरे मिट्टी के फॉर्म में होगा, फिर बहुत लंबे समय तक सड़ते गलते हुए क्या बनता है, ये मिट्टी बनता है। तो जिस प्रकार ह्यूमन मानव जो होता है उसके शरीर का मूलभूत इकाई किसको कहते हैं, हम सेल को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, उसी प्रकार मिट्टी का, मिट्टी बनता किससे है, पत्थर से बनता है, चट्टान से बन रहा है। तो पूरा जो ये स्थल मंडल होगा उसका हम मूलभूत इकाई किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे, चट्टान को ही कहेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, उत्पत्ति के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें दिया गया अग्नीय चट्टान या इग्नियस रॉक, इसके बारे में एक फैक्ट जान लो, इग्नियस रॉक में जीवाश्म नहीं होगा, जीवाश्म मीन्स फॉसिल जो होता है वो नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रश्न ये आएगा कि इनमें से कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, टिक करना अग्नीय चट्टान में। चलो अब पढ़ते हैं इसमें क्या सब दिया गया है। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। अब हम ज्वालामुखी में पढ़ेंगे मैग्मा और लावा, पर थोड़ा समझ लो, अभी इससे क्लियर रहेगा तो आगे और क्लियर होगा। मैग्मा और लावा क्या हो, जैसे मान लो एक ज्वालामुखी है ऐसा, ठीक ना, मैग्मा मीन्स इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म ही होगा, बहुत सारा आग जैसा लिक्विड फॉर्म ही होगा, ये विस्फोट होने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड बाहर निकलेगा। तो जब तक ये अंदर में है, ज्वालामुखी के अंदर में जब तक ये लिक्विड फॉर्म है तब तक ये है मैग्मा, जब ही यह वायु के संपर्क में आ गया, बाहर निकल गया, तब बन गया वो लावा। समान सेम है, बस जगह का डिफरेंस है, ज्वालामुखी के अंदर है तो मैग्मा, ज्वालामुखी के बाहर आ गया तो लावा। क्लियर। अब देखो ये बनता कैसे है, तो मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मीन्स अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल क्या सब है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डाइटोराइट, ग्रेवो इत्यादि। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि इनमें से किस चट्टान में मीन्स फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये सब दे देगा, तो इस समय क्या होगा, नहीं होगा। याद रखना, अग्नीय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होता है ना, जीवाश्म रहित होता है, इसमें परत नहीं होता। एक मेटामॉर्फिक रॉक आएगा, जो भी रॉक आएगा उसमें क्या होता है, परत होता है, इसमें परत नहीं होगा। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टान है, जिसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमेटाइट, मैग्नेटाइट, सोना, प्लेटिनम, ये सब इसमें मेनली पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, मान लो आप कोई लोहे का टुकड़ा लो या सोने का टुकड़ा लो और एक पत्थर का टुकड़ा लो, पत्थर में हर टाइप का पत्थर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई पत्थर होते हैं ना जिसमें मान लो पत्थर इसमें लाइनिंग लाइनिंग जैसा रहता है, तो जो लाइनिंग लाइनिंग है ना ये फिक्स है कि वो क्या होगा, अग्नि चट्टान नहीं होगा। जिसमें परत बन गया ना वो अग्नि चट्टान नहीं होगा। और ये जो भी है जीवाश्म, वो तो हम लोग पता कर नहीं सकते हैं जीवाश्म है या नहीं है, वो तो साइंटिस्ट पता कर पाएंगे। तो परत से आप पता कर सकते हो कि कौन अग्नि चट्टान है या नहीं है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहे का ही मीन्स एलॉय होता है बेसाल्ट। यह चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इस चट्टान से मीन्स बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आता है आपका पेगमाटाइट, मीन्स केडेरमा, ये झारखंड का जगह है, में पाया जाने वाला अबड़क इन्हीं सैलों से मिलकर बनता है, मीन्स अबड़क केडरोमा या पेगमाटाइट सैल से ही बनता है, ठीक ना। अच्छा, मैं किसी वीडियो में बहुत पहले बोल चुका हूँ कि अबड़क सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है, याद रखना आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक ना, पुराने बुक में गलतियाँ लिखी हुई थी तो ऐसा हो गया, अब याद रखना आंध्र प्रदेश में। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया भी, तो मैंने उनका पिनअप कर दिया, सबसे ऊपर में कमेंट का दिखता है। तो कभी अगर लगे किसी क्वेश्चन में गलती है तो प्लीज़ आंसर सही करके लिख दिया करो, मैं उनको पिनअप कर दूंगा, ताकि जो उसके बाद वीडियो देखेंगे उनको गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ठीक है ना। अग्नीय चट्टानी पिंड, इग्नियस रॉक बॉडीज क्या होता है, मैग्मा को ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नीय चट्टानी पिंड बनते हैं। इसका नामकरण इसके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नीय चट्टान के बनते हैं, यहाँ से कुछ समझना नहीं था। यहाँ पे देख लो, मीन्स रूपांतरित करके क्या बनता है, रूपांतरण मीन्स ग्रेनाइट का नीस, साइनाइट, साइनाइट नीस, ग्रेवो का सरपेंटाइन, बेसाल्ट का सिस्ट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बिटुमिनस कोयला से बना है, ये थोड़ा याद रख लेना और पूछा नहीं जाएगा आपसे। बैथोलिथ क्या होता है, यह सबसे बड़ा अग्नीय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है, यह एक बड़े गुंबद के, इसको ऐसे समझ लो, देखो जैसे ज्वालामुखी मान लो विस्फोट हुआ, ठीक है ना, ऐसा ज्वालामुखी है, इससे जो लावा निकला और ऐसा लावा मान लो निकला इस टाइप का, ठीक है ना, या फिर और नीचे गिरा दो ऐसा, और ऐसे ही पूरा ये जम के क्या हो गया, ठोस बन गया। तो इतना बड़ा चट्टान होगा क्योंकि लावा जब भी निकल रहा है, आग निकल रहा है पूरा, तो
उसमें से जो भी फॉसिल फ्यूल होगा, पहले फॉसिल फ्यूल समझ लो होता क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन जिसमें भी कार्बन का मात्रा है, चाहे वो ह्यूमन हो गया मीन जान जो भी जंतु पेड़ पौधे जो भी है, वो बहुत लंबे समय तक अगर सड़ेगा गलेगा तब क्या होगा, वो जीवाश्म बनता है। लंबे समय तक मीन्स करोड़ों वर्षों हजारों वर्षों तक अगर वो दबा रहता है तो वो जीवाश्म बनता है। तो अगर वो जीवाश्म बनेगा, आग में जाएगा तो वो क्या होगा, जल जाएगा, स्मोक बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए अग्नि चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये पूरा आपका क्या निकल गया, मेटल हो गया, सॉलिड है पूरा। तो ये जब जम जाता है ना तो यही क्या बनता है, बेथोलिक चट्टान बनता है। और यही क्या है, सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा ये बनता है, तो इसे ही ये कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया, यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथेलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। फिर कनाडा का कोस्ट रेंज बेथेलिथ यादों से भी बड़ा है, मीन्स ये जो कनाडा का कोस्ट रेंज बेथेलिथ है उससे भी बड़ा है इदाहो बेथेलिथ, ठीक है ना। तो आपको इतना नाम नहीं याद करना है, बस याद रहो बेथोलिथ चट्टान होता क्या है। अब है स्टॉक क्या होता है, छोटे आकार के बेथेलिथ को स्टॉक कहते हैं, वही अगर छोटा बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मीन्स स्टॉक कहेंगे। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होगा। जैसे पठार का दिया गया ना, पठार और माउंटेन में क्या डिफरेंस है कि 500 मीटर से अगर अधिक ऊंचा होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, मीन्स वो क्या होगा, पर्वत होगा, और उसे छोटा होगा तो उसको हम बोल देते हैं पठार। लेकिन वही जो मीन्स पामीर का पठार है या तिब्बत का पठार है वो सब क्या है, एक्सेप्शन है, उसका ऊंचाई क्या हो गया, 800 मीटर हो गया। तो हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, 1000 से अगर कम होगा, 100 से कम होगा उसे हम कहेंगे स्टॉक, और 100 से अधिक होगा उसे हम कहेंगे बेथोलिथ। अब है लोकोलिथ। लोकोलिथ यह मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो इसे लोकोथिक कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग को लोकेथिक की कई उदाहरण मिलते हैं। ये लोकोथिक और बैथोलिथ जो है वो लगभग सेम ही है, ठीक ना। लोकोथिक बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। ये सब ज्वालामुखी से ही मेनली बनेगा, नहीं तो अंदर से लिक्विड लेने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं, इसलिए हमेशा ये सब क्या बनेगा, इग्नियस रॉक जब भी मिलेगा आपको तो वो या तो ज्वालामुखी से बन के मीन्स बनेगा, या नहीं तो आप ज़मीन के अंदर से उसको निकालो, ठीक ना। तो ऐसा मुमकिन नहीं है ज़मीन के अंदर से निकालना, तो ज्वालामुखी से ही हमको प्राप्त होता है। लेपोथिथ क्या है, लेपोलिथ यह मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं लेपोलिथ। जो गुंबदा बनेगा उसे ऊपर का हम पढ़े थे अभी, और जब लेपोलिथ है ये क्या बनता है, तस्तरी नुमा बनेगा, ये आपको सिर्फ थोड़ा याद रखना होगा। फैकोलिथ यह मैग्मा लहरदार आकृति पर जमता है तो फैकोलिथ बनता है। लहरदार से क्या मतलब है, जैसे देखो ये मान लो ज्वालामुखी हमने बनाया और यहाँ से मैग्मा कम बाग बनेगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे बह जाएगा ना वो, तो धारा के रूप में बहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फेकोलिथ। फेकोलिथ अब है सील। सील क्या है, यह मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है, तो इसे सील कहते हैं। सील और फेकोलिथ दोनों एक ही हो गया। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं, अगर 1 मीटर से कम उसका मोटाई उसको हम क्या कहेंगे, सीट कहेंगे। अब है डाइक और डिक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहा जाता है। मीन्स ये तीनों जो है आपका लगभग सेम मिलता जुलता है, सील, फोकोलिथ और डाइक, फिर इस सब के मोटाई उटाई पे इसका डिफरेंस किया गया है। अब इग्नियस चट्टान के बाद आता है आपका अवसादी चट्टान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवसादी चट्टान क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक। प्रकृति में प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया तथा अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाई प्रेशर के साथ, जैसे बहुत भारी कोई ऑब्जेक्ट रख दे और बहुत लंबे समय तक छोड़ दे तो क्या होगा, काफ़ी ठोस हो जाएगा और कई सारे इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी हो रहा है, जिसके कारण जो चट्टान प्राप्त होगा उसे हम क्या कह देंगे, अवसादी चट्टान। अगर आप डिफिनीशन लिखना हो तो अवसाद के कारण जो चट्टान बनेगा उसे हम अवसादी चट्टान कह सकते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या सब है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कागलोमेरेट, नमक की चट्टान और सैख खड़ी आदि, ये सब क्या है आपका, अवसादी चट्टान है, मीन सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे अवसादी चट्टान और उसका कायंत्रित रूप दिया गया, जैसे सापिंड है, सापिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलुआ पत्थर का कायंत्रित चट्टान क्या होगा, क्वार्टजाइट, सैल का स्लेट, चूना पत्थर का इंपॉर्टेंट है संगमरमर, और लिग्नेट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, इसका ये रूपांतरित रूप हुआ। एंथ्रेसाइट कोयला क्या है, कोयला का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट कोयला।
नेक्स्ट है आपका अवसादी चट्टाने परतदार होगी, इसमें क्या होगा, जीवाश्म भी पाया जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनने की चट्टान पाया जाता है। मतलब ये समझो कि एक और पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक, और अभी हम पढ़ रहे थे अग्नियस रॉक, तो दोनों का जो मिश्रण होगा ना वो आपको अवसादी चट्टान में देखने को मिलता है। मतलब लोहा भी है, सीमेंट भी है, और साथ ही क्या है, परतदार भी है और जीवाश्म पाया जाता है। मतलब इसमें सब कुछ पाया जाता है, उसे हम कह देंगे अवसादी चट्टा। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल का मतलब पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी है इस टाइप का तेल, वो क्या होता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अपरिवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। मीन्स कोई भी अगर, चाहे मान लो बहुत लंबे समय तक कोई बहुत सारा जानवर क्या हो, एक पत्थर के नीचे दब जाए, तो जो भी लिविंग बीइंग्स है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में तेल पाया जाता है, खनिज तेल। तो उसी से रिस्क क्या होता है, खनिज तेल धीरे धीरे वो बनता चला जाता है। तो वहीं से अवसादी चट्टान से वो क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है। दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना हुआ है। मतलब बलुआ पत्थर क्या हो गया, अवसादी चट्टान का उदाहरण हुआ। अब आता है आपका कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। देखो मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है रूपांतरित, चेंज होना, ठीक है ना, चेंजेज होगा उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक। तो चेंज कैसे होगा, ताप, दाब या रासायनिक क्रिया के कारण अग्नीय चट्टान या अवसादी चट्टान में अगर कोई निर्माण होगा उसे हम क्या कह देंगे, कायांतरित चट्टान। मीन्स बहुत लंबे समय तक कुछ परिवर्तन करके अगर नया चट्टान बन जा रहा है उसे हम क्या कह देंगे, कायांतरित चट्टान। इसमें एग्जांपल क्या है आपका, स्लेट का फाइलाइट और फाइलाइट का सिस्ट। अब आता है आपका ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी इसमें हम पढ़ लेते हैं, कितना लंबा वीडियो होगा, नहीं इसको छोड़ते हैं आप, ठीक ना, स्थल मंडल इसमें रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ लेंगे अब ज्वालामुखी, क्योंकि कम पढ़ो पर ऐसे पढ़ो ताकि आप सही समझ ही पाओ और बार बार उसको पढ़ना ना पड़े, मीन्स आपका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आपके एग्जाम में हेल्प करेगा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।